नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक अदालत में 23 मार्च 2023 को काफी गहमागहमी थी। उस रोज एक बहुचर्चित मामले की सुनवाई होने वाली थी। केस आगरा से प्रकाशित होने वाले अखबार स्वराज्य टाइम्स के संपादक विजय शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा की हत्या और उनके घर में लूटपाट का था। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद के जरिए उस बहुचर्चित केस का फैसला सुनाया जाना था। दोनों आरोपियों को न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जा चुका था। पीड़ित पक्ष के लोग पहले ही आ चुके थे। कोर्ट रूम के बाहर बड़ी तादाद में मीडिया की निगाहें भी उन पर टिकी हुई थीं। न्यायाधीश मोहम्मद राशिद कोर्ट रूम में अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। जिस मामले की सुनवाई होनी थी वह वारदात दरअसल 9 साल पुरानी 20 फरवरी 2014 की थी। उस रोज गंगे गौरीबाग बलकेश्वर क्षेत्र के रहने वाले स्वराज्य टाइम्स के संपादक विजय शर्मा अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए फिरोजाबाद गए हुए थे। अपने साथ बेटी निवेदिता और बेटे अंजेश को भी ले गए थे। घर पर उनकी 48 वर्षीय पत्नी नीलम शर्मा और वृद्ध पिता आनंद शर्मा रह गए थे। शर्मा को अपने बच्चों समेत उसी रोज आधी रात तक वापस लौट आना था। तय कार्यक्रम के अनुसार शर्मा बच्चों समेत लौट आए। घर का दरवाजा खटखटाते ही वह अपने आप खुल गया। अंदर दाखिल हुए तो भीतर का दृश्य देखकर सन्न रह गए। सामने जो दिखा उसे देख उनके होश उड़ गए। घर का सामान जहां तहां बिखरा पड़ा था। पत्नी नीलम के कमरे का दरवाजा भी खुला था। कमरे की लाइट जल रही थी। शर्मा और बच्चे जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे बेटी निवेदिता और बेटे की चीख निकल गई। शर्मा कमरे में घुसे वहां पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग टफी भी खून से लथपथ पड़ा था। वहीं नीलम भी पास में ही मृत पड़ी थीं। उनके शरीर से बहुत सारा खून निकलकर पूरे फर्श पर फैल चुका था। माँ की लाश देखकर दोनों भाई बहन रोने लगे। शर्मा तो जड़वत बन गए थे। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो गया, ऐसा किसने किया। पिता आनंद शर्मा का ख्याल आते ही उनके कमरे की ओर गए। उनके कमरे की बाहर से कुंडी लगी थी। कुंडी खोली तो भीतर अंधेरा था, शायद वह सो रहे थे। आनंद शर्मा बेसुध सोए हुए थे। सांस चलने की आवाज आ रही थी। दोबारा अपने कमरे में आकर ध्यान से देखा तो पाया कि पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। कुत्ते पर भी कई हमले किए जाने का निशान था। अलमारी की तिजोरी के खुले होने पर गहने नकदी आदि लूट के भी सबूत मिले। कमरे से बाहर पालतू तोते हीरा का पिंजरा शाल से ढका हुआ था। बच्चों के द्वारा शाल हटाते ही तोता जोर जोर से पंख फड़फड़ाता हुआ चीखने लगा। शर्मा परिवार ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उन्होंने पाया कि वारदात के सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। दीवारों फर्श आदि पर खून के दाग धब्बे मिटाए जाने के निशान दिख रहे थे। फर्श की सफाई की गई थी। विजय शर्मा के घर से बच्चों के रोने और शोर शराबे की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी आ गए थे। वे भी घर का दृश्य देखकर दंग रह गए। शर्मा ने इसके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया। संपादक की पत्नी के मर्डर की सूचना पाकर कुछ मिनटों में ही थाना न्यू आगरा से पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। शर्मा ने उन्हें अज्ञात बदमाशों द्वारा पत्नी और पालतू कुत्ते की हत्या के साथ साथ ज्वेलरी, नकदी, घड़ी व अन्य सामान लूट की आशंका जताई। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने गहन जांच किया, लेकिन फिंगरप्रिंट्स मिटाए जाने और दूसरे साक्ष्य खत्म किए जाने के चलते वारदात की तह तक जाने के सबूत नहीं मिले। हालांकि फोरेंसिक टीम को कुछ सबूत जमा करने में सफलता मिल गई थी। पुलिस के सामने हत्या और लूट की जांच एक बड़ी चुनौती थी। वे उलझन में पड़ गए थे कि हमलावर कितने लोग होंगे, घर में कैसे घुसे होंगे, इसके पीछे लूटपाट के अलावा और क्या कारण हो सकता है। इस पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि संभव है नीलम या उस वक्त घर में मौजूद परिवार के दूसरे किसी ने सोने से पहले दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया होगा।
यह भी आशंका जताई गई कि पूरी वारदात को अंजाम देने वाला कोई परिचित भी हो सकता है। पुलिस जांच टीम पालतू कुत्ते को धारदार हथियार से बेरहमी से मार दिए जाने को लेकर हैरान थी। नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हत्या संबंधी कुछ जानकारियां मिल गई थीं। कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसकी रिपोर्ट जुटा ली गई थी। पड़ोसियों ने कुत्ते के बार बार भौंकने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन उन्होंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। कारण पालतू कुत्ता बीच बीच में अक्सर भौंकता रहता था। उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नीलम के शरीर पर धारदार हथियार से 14 और पालतू कुत्ते टफी पर 9 वार किए गए थे। गहरी चोटें और अत्यधिक खून बहने से दोनों की मौत हो गई थी। इस संबंध में थाना न्यू आगरा में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ लूट व हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। नीलम शर्मा मर्डर केस के सबूत जुटाने और सुराग के लिए जांच टीम ने विजय शर्मा के घर को 3 दिनों तक सील कर दिया था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस को 3 लोगों पर संदेह हुआ था, लेकिन सबूत के बिना उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाई थी। विजय शर्मा ने भी अपने बयान में उन्हीं 3 लोगों पर शक जताया था जिन पर पुलिस को संदेह था। संदिग्धों में से एक व्यक्ति का संबंध जमीन खरीद को लेकर था। इस सिलसिले में उसके साथ रुपए के लेन देन में कुछ ज्यादा ही विवाद हो गया था। उससे पूछताछ करने पर उसने हत्या से इनकार कर दिया, लेकिन पैसे को लेकर शर्मा के साथ विवाद की बात मान लिया। कई दिन बीत जाने के बावजूद मामले को सुलझाया नहीं जा सका था। मामला एक अखबार के संपादक से जुड़ा हुआ था। इस कारण मीडिया में जांच की देरी को लेकर कई सवाल उठने और पुलिस पर दबाव भी बनने लगा था। तत्कालीन SSP शलभ माथुर ने पुलिस की टीमें बनाई और जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए। शर्मा परिवार को अपने पालतू कुत्ते टफी और तोते हीरा से काफी प्यार था। दोनों ही परिवार के सभी सदस्यों को अच्छी तरह पहचानते थे। तोता तो घर वालों की बातों को समझता भी था। नीलम शर्मा खुद और उनके दोनों बच्चे तोते से बातें भी किया करते थे। वह तुरंत बोल देता था। नीलम शर्मा तोते को अपने हाथों से छोटा छोटा निवाला दिया करती थीं। तोता पिंजरे से नुकीली चोंच बाहर निकालकर निवाला मुंह में ले लेता था। तुरंत गटकने के बाद खुशी से पंख फड़फड़ा देता था। नीलम शर्मा भी खुशी से बोल देती थीं, चलो हो गया, बस बस। यही हाल टफी का भी था। उसे भी परिवार के सदस्यों के हाथों से परोसा गया उसका खाना या उसके लिए बाजार से मंगवाया गया खाना ही पसंद था। घटना को हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस अभियुक्तों को पकड़ना तो दूर, उनका सुराग तक नहीं लगा पाई थी। उधर मालकिन की मौत के बाद तोता हीरा सुस्त हो गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। कारण उससे बात करने वाला कोई नहीं था। हत्यारे ने तोते के पिंजरे पर शाल डाल दी थी। पुलिस ने जांच के सिलसिले में इस बात पर भी गौर किया। मतलब निकाला गया कि बदमाशों ने टफी की तो हत्या कर दिया, लेकिन तोते ने भी शोर मचाया होगा, इस कारण उसके पिंजरे को शाल से ढक दिया होगा। पूछताछ में शर्मा ने जब किसी परिचित पर संदेह जताया, तब उन्हें एक पड़ोसी ने तोते से बात करने की सलाह दिया, शायद उससे कोई सुराग मिल सके। शर्मा और उनके बच्चों को यह बात सही लगी और वे पिंजरे के पास जाकर तोते से बात करते हुए कहा, हीरा हीरा, घर में मालकिन का कत्ल हो गया और तुम देखते रहे, बताओ क्यों नहीं बचाया। यह सुनते ही तोता अपना पंख तेजी से फड़फड़ाने लगा, पिंजरे में ही इधर उधर ऊपर नीचे करने लगा। इस हालत से उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके शांत होने पर बेटी प्यार से बोली, मेरे मिट्ठू, मेरे हीरा, मम्मी को किसने मारा, आशु ने मारा। यह नाम सुनते ही तोता आशु आशु कहकर तेजी से गर्दन हिलाकर चीखने लगा। ऐसा कई बार हुआ। आशुतोष उर्फ आशु विजय शर्मा का भांजा था। इसकी जानकारी विजय शर्मा ने पुलिस को दिया। यह भी बताया कि पत्नी के अंतिम संस्कार के दिन आशु घर आया था, उसके बाद वह एक बार भी घर नहीं आया। शर्मा के कहने पर पुलिस ने भी घर आकर इस बात को देखा कि तोता आशु के नाम पर अपना गर्दन ऊपर नीचे हिलाकर आशु आशु चीखने लगता था। पुलिस ने 25 फरवरी 2014 को अर्जुन नगर
थाना शाहगंज निवासी आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने इस घटना से इनकार किया, किंतु पूछताछ के दौरान उसके दाएं हाथ पर कई जख्म दिखाई दिए। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन जख्मों के बारे में जानना चाहा। इस पर आशु सकपका गया। चोट के संबंध में पुलिस के सवालों के आगे आशु टिक नहीं पाया। उसने इस अपराध को अंजाम देने की बात स्वीकार कर लिया। पुलिस के सामने जो कुछ बताया उससे काफी चौंकाने वाला सच सामने आया। उसने बताया कि इस घटना में उसका दोस्त रोनी मैसी भी शामिल था। उसकी भी तुरंत गिरफ्तारी हो गई। दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कटार चाकू, हत्या के दौरान लूटे गए गहने, नकदी व घड़ी समेत वारदात में प्रयोग किया गया स्कूटर बरामद कर लिया गया। हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने माल बरामदगी के साथ पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कर साक्ष्य जुटाए। आशु ने बताया कि उसने अपने दोस्त रोनी मैसी के साथ मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया था। पहले वह मामा मामी के घर में ही रहता था। दरअसल विजय शर्मा का बेटा अजेश मानसिक रूप से बीमार रहता था। तब उन्होंने अपने सगे भांजे आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु को बेटे की तरह पाला था, लेकिन उसके गलत आचरण की वजह से उन्होंने उसे अलग रहने को कह दिया। तब वह अपने दोस्त रोनी मैसी के साथ अर्जुन नगर में रहने लगा, लेकिन उसका अपने मामा के यहाँ आना जाना लगा रहता था। उसे उनके घर की हर चीज की जानकारी थी। आशु को मामा के पास घर में काफी गहने व नकदी मौजूद होने की जानकारी थी। उसे वारदात वाली रात को मामा के फिरोजाबाद में शादी में जाने और मामी के घर में अकेले होने की जानकारी थी। उसे रुपयों की जरूरत थी। इसी लूट के इरादे से उसने अपनी योजना में दोस्त रोनी मैसी को भी शामिल कर लिया। योजना के अनुसार दोनों रात को स्कूटर से मामा के घर पहुंचे। आशु ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया। आवाज पहचान कर मामी नीलम शर्मा ने दरवाजा खोल दिया। दोनों घर में घुस आए। पालतू कुत्ता टफी भौंका, लेकिन आशु ने उसे पुचकार कर शांत कर दिया। वह आशु को पहचानता था। रोनी मैसी नकाब में था। उसने नीलम शर्मा को कमरे में ले जाकर उन्हें धमकाते हुए कहा कि यदि अपनी जान की खैर चाहती हो तो कैश और गहने निकाल कर दे दो। पीछे से आशु भी कमरे में पहुंच गया। इस पर नीलम की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने आशु से नाराज होकर ऐसा करने से मना किया। इस पर आशु भी गुस्से में आ गया और साथ लाए तेज धार वाले चाकू से नीलम शर्मा के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। नीलम पर हमला होते देख पालतू कुत्ता टफी आशु पर झपट पड़ा। अपने बचाव में आशु ने कटार से कुत्ते पर भी तेजी से लगातार वार कर दिया। उसे भी वहीं मार डाला। यह देखकर पिंजरे में बंद तोते ने शोर मचाया तो उन्होंने पिंजरा वहां पड़े शाल से ढक दिया। मामी और कुत्ते की हत्या के बाद गहने नकदी आदि लूट कर दोनों फरार हो गए। फरार होने से पहले दोनों ने सारे सबूत भी मिटा दिए। आशु और रोनी के इन बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 394, 302, 429, 411, 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। इस सनसनीखेज केस की सुनवाई आगरा जिले के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद की कोर्ट में 9 साल तक चली। पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी उसमें जुटाए गए साक्ष्य ज्यादा ठोस नहीं थे, लेकिन अभियोजन टीम ने इनको मजबूत साक्ष्यों के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मामले में फोरेंसिक टीम जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी थी। अभियोजन पक्ष के पास परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा गवाह भी थे, लेकिन वह बहुत अधिक मजबूत नहीं लग रहे थे। ऐसे में अभियोजन पक्ष के सामने उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर दोषियों का दोष सिद्ध कर उन्हें सजा दिलाने की कड़ी चुनौती थी। अभियोजन टीम ने इस संबंध में आगरा के संयुक्त निदेशक अभियोजन महेंद्र कुमार दीक्षित से सलाह मशविरा किया। अभियोजन पक्ष जिसमें वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी जय नारायण गुप्ता, अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार तथा ADGC क्राइम आदर्श चौधरी शामिल थे, ने ठोस साक्ष्यों के अभाव के बावजूद अथक परिश्रम कर मौजूद साक्ष्यों की छोटी से छोटी कड़ियों को जोड़कर दमदार पैरवी किया। 9 साल तक केस का ट्रायल चला। बहस के दौरान अभियोजन टीम ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस केस में वादी संपादक विजय शर्मा की कोरोना के दौरान 2021 में मृत्यु हो चुकी थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। इनमें वादी की बेटी निवेदिता तथा 3 अन्य गवाह लोकेश शर्मा, हरेश पचौरी व सुनील शर्मा के बयानों को आधार बनाया। अभियोजन टीम ने बहस के दौरान कहा कि गवाह लोकेश शर्मा ने आरोपी आशुतोष गोस्वामी व उसके दोस्त रोनी मैसी को स्कूटर पर विजय शर्मा के घर की ओर जाते देखा था। वहीं हरेश पचौरी ने उसी स्कूटर पर आशुतोष गोस्वामी व उसके दोस्त को निकलते देखा था। जबकि गवाह सुनील शर्मा ने घटना के बाद, जब मृतका नीलम शर्मा की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए घर पर आई, तो उस समय आरोपी आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु, जिसे वे पहले से जानते थे, को वहां देखा। आशुतोष के हाथ पर चोट के निशान थे, जो मृतका नीलम की हत्या के समय उनके पालतू डॉगी द्वारा आशुतोष पर हमला किए जाने के दौरान आए थे। बहस के दौरान अभियोजन अधिकारियों ने कहा कि उसके बाद आरोपी आशुतोष व उसका दोस्त रोनी मैसी फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों को उसी स्कूटर सहित गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर मृतका नीलम के घर से लूटे गए आभूषण, नकदी तथा हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल कटार को बरामद कर लिया गया। घटना के समय नीलम शर्मा के वफादार पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग तफी तथा तोते ने अपनी अपनी तरह से आरोपियों का प्रतिरोध किया था। इस दौरान आशुतोष के शरीर पर चोटें आई थीं। इस पर आशुतोष ने डॉग टफी को मार दिया गया व तोते के शोर मचाने पर पिंजरे को शाल से ढक दिया गया था। इसके बाद हत्या व लूट को अंजाम दिया। इन आरोपियों के अलावा यह अपराध अन्य किसी ने नहीं किया है। अभियुक्तों की ओर से एक गवाह पेश किया गया, जिसकी गवाही न्यायालय ने नहीं मानी। वहीं बचाव पक्ष की दलीलों को भी नकार दिया गया। कोर्ट में पेश किए गए गवाहों, सबूतों और दोनों ओर के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद ने दोनों आरोपियों आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु और रोनी मैसी को दोषी मानते हुए उम्र कैद व 72,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को 4 मामलों में सजा सुनाई गई। आशुतोष और रोनी मैसी को धारा 394 लूट के मामले में 10 वर्ष के कठिन कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माने की सजा मिली। वहीं धारा 302 IPC में आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना था। धारा 429 IPC में 4 वर्ष कारावास, 3,000 रुपए जुर्माना। धारा 411 IPC में लूटा गया माल बरामदगी में 3 वर्ष के कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना तथा आशुतोष को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 2 वर्ष के कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। दोनों अभियुक्तों आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु और उसके दोस्त रोनी मैसी जमानत पर थे। वे दोनों कोर्ट में मौजूद थे। पुलिस ने फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। ADGC आदर्श चौधरी ने बताया कि इस केस में तोता हीरा पुलिस की विवेचना का हिस्सा रहा था, लेकिन वह साक्ष्य का हिस्सा नहीं हो सका, क्योंकि कोर्ट में पक्षी की गवाही के लिए कोई कानूनन विधि नहीं है। ऐसे अपराधी सोचते हैं कि वे मौके से साक्ष्य मिटा करके अपना गला बचा लेंगे। सजा मिलने से ऐसे अपराधियों को खौफ होगा और न्याय की देवी पर लोगों का भरोसा कायम रहेगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।